आपके भाई हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो लगता है कि आपके प्रयास से कोई मेरा भाई प्रधानमंत्री हो क्या मैं भूखा मरूं? दुकानदारों ने जो काम किया है उसको मतलब अच्छा तरह से मिलना चाहिए। कोरोना काल में वो सब दूध पाव ब्रेड भी सबका काला बाजार हो गया, मगर वो जो अनाज है वो सब लोग को अच्छे गवर्नमेंट के रेट से ही और मुफ्त में भी जो दिया वो भी मिल गया। झूठ है, वो गवर्नमेंट ने एक भी दुकान के ऊपर केस नहीं किया। दिखाओ गवर्नमेंट ने कौन से स्टेट में ऐसा किसके ऊपर चार्ज किया है? और मोदी जी उनके जो नेता है वो बोल रहे हैं मैं 80 करोड़ को दिया, तो मोदी जब बोलता है दिया तो उनको मिल गया 20,000 रुपए देने का मिला है ना मैडम, जारी किया है। देश भर के सोप डीलर जो हैं आज जंतर मंतर पर जमा हुए हैं, जिनकी डिमांड है कि उनकी कुछ मांगों को सरकार को मानना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ संसद में सरकार ने अभी आंकड़ा पेश किया है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार ने मुफ्त में राशन वितरण किया है। जानते हैं इनसे कि इन लोगों की क्या डिमांड है, क्या क्या इनके मुद्दे, क्या मुद्दे हैं सर आपके? और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुण्यभूमि से रायगढ़ है, वो रायगढ़ महाराष्ट्र में है, रायगढ़ से हम आए हैं। हमारे जो मांग है 75 साल हुआ है अभी देश की स्वतंत्र का दिन हो रहा है, तो हमारा रेशन दुकान का है, रेशन दुकान हम चलाने वाले हैं, वो 440 रुपये कमीशन मिलना चाहिए। और जो कोरोना में जो हमने सीधा वाटर धान्य दिया है, वो जो कोरोना को उसने जो मर गए उसको भी 10 लाख 5 लाख रुपये ऐसा मिलना चाहिए। और बहुत मांगी है हमारा गहू तांदूल साखर मिलना चाहिए, हर महीने में हमको रेगुलर माल आना चाहिए, जो माल कम आता है वो कम नहीं आने का वो रेगुलर आना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। हमारा कार्यदर्शी बोलेंगे भारत माता की। ये जो कायदा है अन्न सुरक्षा कायदा, उसमें हर एक को राशन मिलना चाहिए, सफेद कार्ड हो केसरी कार्ड हो, इनकम कितना भी इनकम हो, मगर वो गवर्नमेंट का कानून है कि सबको राशन, तो वो सबको राशन भी चालू होना मांगता है। और अगर गवर्नमेंट को हमारे लिए कुछ इज्जत बनानी है तो एक महीना में पूरा महीना तक काम करना पड़ता है, इसके लिए उसने वो जो 150 रुपए कमीशन देते हैं, छोटे दुकानदार है उसके लोग परवरता ही नहीं, 50 क्विंटल 100 क्विंटल वाले दुकानदार है तो उसको 10,000 रुपया भी नहीं मिलता पूरा महीना भर काम करने का। आइदर गवर्नमेंट ने 25,000 रुपया महीना छोटे दुकानदार को, बड़े को 50,000 दे दो, नहीं तो 440 रुपया क्विंटल को कमीशन दे दो, अच्छी तरह काम करेंगे। अभी सरकार के मंत्री ने कहा है संसद में कि हमने 80,000 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, वो तो बीजेपी वाले ने बात किया ना, मोदी साहब ने जो बात किया कि हमने 80 करोड़ आदमियों को राशन दिया, और क्या उन्होंने या गवर्नमेंट के आदमी ने नहीं दिया? आदमी ने ये सब जो अभी घूम रहे हैं इधर धूप में, वो आदमी लोगों ने वो जान बढ़ाकर वो अनाज दिया है सबको, इसके लिए वो ये दोनों ये सब फेयर प्राइस शॉप वालों का जो डिमांड है वो गवर्नमेंट आज लेना ही था। दिया है ना वो मोदी साहब का भी हम धन्यवाद मांगते हैं, अच्छा काम किया, जो भूखे लोग था उसको धान्य मिला, अनाज मिला है, ये अच्छा काम किया है या ये देश के लिए शर्म की बात है कि आज भी भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बीपीएल कार्ड के नीचे आते हैं, यानी कि 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार को आज खाना खिलाना पड़ रहा है। मेरा आपसे इतना सा निवेदन है, अनाज तो दिया है लेकिन वो दुकानदारों की समस्या है, दुकानदारों ने जो काम किया है उसको मतलब अच्छा तरह से मिलना चाहिए। मोदी साहब ने अच्छा किया है लेकिन नीचे वाला लोग जो है ना, हमको कमीशन जो 150 रुपए तो 440 रुपए चाहिए, और जो कुछ छोटे मोटे मांगे हमको मिलना चाहिए। कोरोना काल में वो सब दूध पाव ब्रेड भी सबका काला बाजार हो गया, मगर वो जो अनाज है वो सब लोग को अच्छे गवर्नमेंट के रेट से ही और मुफ्त में भी जो दिया वो भी मिल गया, उसमें कुछ परेशानी हुई नहीं। पूरे इंडिया में सब जगह सब दुकानदार ने काम किया है पूरे इंडिया में, लेकिन सरकार के लोग आरोप लगाते हैं कि जो बीच में डीलर हैं वो लोग गड़बड़ करते हैं, वो लोग पैसा झूठ है, वो गवर्नमेंट ने एक भी दुकान के ऊपर केस नहीं किया। दिखाओ गवर्नमेंट ने कौन से स्टेट में ऐसा किसके ऊपर चार्ज किया है हमको बताओ, और हम गवर्नमेंट ने कौन से चार्ज किया है वो बताओ, एक भी चार्ज नहीं है कोई भी स्टेट में,
नहीं है, सब चीजें अच्छा कुछ किया ही नहीं। रोजगार गवर्नमेंट को पूछो ना किसने किया है। गारंटी योजना बीजेपी के नेता जो आरोप लगाते हैं वो सब झूठे हैं, पूरे पूरे झूठ है। गांव के लोगों को रोजगार गारंटी योजना में वो अगर वो उनके बीजेपी के लोग बोल रहे हैं और मोदी जी उनके जो नेता है वो बोल रहे हैं मैं 80 करोड़ को दिया, तो मोदी जब बोलता है दिया तो उनको मिल गया 20,000 रुपए देने का मिला है ना। मैं जारी किया है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये तो आप देख सकते हैं देश भर के जो 365 दिन तक फेडरेशन के लोग हैं देश भर से वो यहाँ पर जमा हुए और उनकी डिमांड है 9 पॉइंट इनके हैं जिसमें इन्होंने कमीशन को लेकर और जो जो डीलर्स हैं जो दुकानदार इनको राशन मुहैया कराने को लेकर मांग की है, 9 पॉइंट की डिमांड है। और संसद में जो आज मॉनसून सत्र चल रहा है उसमें लगातार ये आवाज पहुँचाना चाहते हैं। कई सांसद भी यहाँ आए थे और मोदी जी के भाई भी यहाँ आए थे, अभी वो जा चुके हैं, लेकिन इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार एक तरफ संसद में आंकड़ा देती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में राशन खिलाया, वहीं दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं जो डीलर हैं वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन उससे सरकार को कोई फर्क पड़ने को तैयार नहीं है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनहित आवाज दिल्ली।